राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट जाना चाहिए था या नहीं, बहस जारी है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर अपनी राय पेश कर रहे हैं। विपक्षी दल अपना मत सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के भीतर कुछ नेता सचिन के साथ हैं तो कुछ सचिन के खिलाफ सुर लगा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको सचिन पायलट के पास जो विकल्प मौजूद हैं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। राजनीति का जो दस्तूर रहा है वही सचिन पायलट के लिए अपना मुकाम हासिल करने का मौका साबित हो सकता है। सचिन के पास तीन विकल्प हैं: कांग्रेस में बने रहें, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या अपनी नई पार्टी बना लें। पहले तो सचिन पायलट की कोशिश यही है, अपनी छवि पर लगे छीटों के दाग धो ले। सरकार गिराने की डील में शामिल होने से लेकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा नकारा, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने वाला, ये सब जो कहा है। सचिन ने आरोपों को खारिज करते हुए दुख जताया और कहा ये सब हैरान करने वाला नहीं, दुख पहुंचाने वाला है। 35 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में सचिन विधायक को लीगल नोटिस भेज चुके हैं। अगर सचिन को भरोसा है कि वो अपनी राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के भीतर रहकर लड़ते हुए अशोक गहलोत को शिकस्त देकर खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अपनी पार्टी बनाने का मौका तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हो सकता है पिता माधवराव सिंधिया के अनुभव को देखते हुए वो कोई जोखिम ना लेना चाहते हों। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के नाम से अलग पार्टी बनाई, लेकिन बाद में कांग्रेस में लौट कर आ गए। हो सकता है सचिन और सिंधिया दोनों के मन में एक जैसे ख्याल आए हों, या दोस्त होने के नाते दोनों ने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किए हों। भारतीय राजनीति में ये धारणा तो बनती ही है, चुनाव कोई भी कैसे भी जीते, सरकार बनाने के बाद भी तख्ता पलट जाना तय है। बाद में या तो बीजेपी खुद सरकार बनाएगी या नई सरकार में हिस्सेदारी देगी। ताजा मिसाल मध्य प्रदेश और पुराना बिहार है। अब नए स्टार्टअप को देखें तो जोखिम रहता है। सचिन पायलट के पास मौके तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन चुनना क्या चाहते हैं। साफ तौर से वो कह चुके हैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। जब भी मौका मिल रहा है बार बार कह रहे हैं अब भी कांग्रेस के साथ हो। वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों का बड़ी ही संजीदगी के साथ जवाब देते हुए बचाव कर रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ भी बस इतना कह रहे हैं कि उनकी सरकार के पास बहुमत नहीं है। दावा ये भी है कि वो कोई निजी फायदे की लड़ाई नहीं लड़ रहे, राजस्थान की जनता के साथ किए गए वादों की खातिर आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए अशोक गहलोत के खिलाफ ज्यादा टिप्पणियां करने से बच रहे हैं। बीजेपी में जाने पर पायलट के जिगरे की तारीफ तभी होगी जब वो सिंधिया जैसी सियासी ताकत दिखा पाए। अगर बीजेपी में आते हैं तो डिप्टी सीएम से ज्यादा तो उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, वहां बहुत सारे नेता पहले से हैं। डिप्टी सीएम बनना तो सचिन पायलट के लिए करीब करीब हर संभव जगह है। कांग्रेस में तो डिप्टी सीएम रहे ही हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें तो भी डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है, और अगर सचिन अपनी पार्टी बनाए, किसी और के साथ गठबंधन करें तो भी यह पद उन्हें मिल ही जाएगा। अब सवाल ये है कि तीन रास्तों में से सचिन पायलट किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।